मुजफ्फरनगर के बाद आज हरियाणा के करनाल में किसानों की महापंचायत हुई। करनाल में हुई इस महापंचायत में भी पंजाब के अलावा कई राज्यों के किसान शामिल हुए। किसानों की करनाल में महापंचायत और मिनी सचिवालय के घेराव के ऐलान को देखते हुए हरियाणा सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रदेश के 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं और बल्क SMS सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। 28 अगस्त को दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को किसानों ने करनाल में महापंचायत की। किसानों की ओर से आज मिनी सचिवालय घेराव का ऐलान किया गया। करनाल में किसानों की इस महापंचायत में पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से किसान भारी संख्या में जुटे। गुरनाम सिंह चडूनी के अलावा किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल भी करनाल पहुंचे। जो कुछ कार्रवाई हुई है जब लोगों का हड़ आता है फिर बैरिकेड कुछ माने नहीं रखते। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਜ਼ਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਗਾ ਵਹੀ ਹੋਗਾ। ਰੋਲ ਡੰਡੀ ਪੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਚੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। अभी भी हरियाणा के किसान मांगों पे बोल रहे हैं कि इनकी मांगों हैं जो नजायज हैं। सड़क कितने गलत रोकी बात थी। बात कर रहे हैं वही जाकर बात कर रही हूँ। ना जाए जाज है ना जाज है तो डीसी बात करेगा, उनके अधिकारी बात करेगा, हमारे लोग बात करेंगे। जी गल है किसानों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लोकतंत्र के अधिकार है अपनी गल रखने का। और जी मंग रखी गई है साढ़े सारिया वालों के वो जो परचा 302 का दर्ज किया जाए, सो वो जी मंग जायज है क्योंकि किसी भी एसटी को अधिकार नहीं कि वह हुक्म दे कि सिर फोड़ दो। सो वो 302 का परचा दर्ज होना चाहिए। और जोड़ा शहीद होया सा किसान वो परिवार को नौकरी और जो 25 लाख रुपया की मान है वो दिता जाए। सो जिस साढ़े किसान अखा की रोशनी गई है उन्होंने भी माली तौर से सहायता मिलनी चाहिए है। ये सारिया डिमांडा ने उसी जाकर बाकी करनाल प्रशासन की ओर से किसानों को बातचीत का न्योता भेजा गया। किसानों ने 11 नेताओं की कमेटी बनाई है। किसानों ने साफ कहा है कि सरकार या पुलिस किसानों के आंदोलन को रोक नहीं सकती। हम कट्टर सरकार को बता जाते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत अब इस आंदोलन को न दबा सकती है, न कोई बंदूक की गोली, न कोई जेल, न कोई लाठी। इसलिए आज तमाम किसान संगठन में इकट्ठा हो रहे हैं हम सब लोग। किसानों की महापंचायत को देखते हुए हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रदेश सरकार की ओर से 5 जिले करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत और जींद में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। करनाल जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियों समेत सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात की गई। धारा 144 भी लागू की गई है, लेकिन करनाल में किसान बड़ी संख्या में पहुंचे। Sky News Global Report.